फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं आलू मसाला पूरी और उसके साथ मटर बैंगन की सब्जी, यानी कि पूरी और सब्जी। हाँ, यानी कि पूरी भाजी बोल सकते हैं। हाँ। देखो, कल अम्मी ने ना मेरे से पूछे थे कि आज पूरी भाजी बना दोगे। मैंने बोला हाँ बना दो, नहीं तो ना हर कोई ना कोई रेसिपी पे ना हमारे घर में डिबेट होते हैं। नहीं मम्मी ये मत बनाओ, ये कोई खाता नहीं है, ये कोई बनाता नहीं है। लेकिन सच्ची बोलूँ ना, मेरा बहुत ही मन कर रहा है यार पूरी भाजी खाने का। इसके लिए मैंने एक ही बार में बोल दिया हाँ मैं बना दो। तो इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं आलू की पूरी और बैगन की भाजी, है ना? तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के पूरी भाजी बनाने के लिए मैं क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम बैगन, आलू, मटर, टमाटे, हरी मिर्ची, प्याज, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू, और यहाँ पे हमारा पूरी का सामान है मैदे का आटा, गेहूं का आटा, अजवाइन, और यहाँ पे बॉयल आलू। और ये मसाले हमारे भाजी और पूरी दोनों में लगेंगे। मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, जीरे की बुक्की, कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पूरी के लिए आटा गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने के लिए हमको सबसे पहले ये जो बॉयल आलू है ना, इसको अच्छे से बारीक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले ये दोनों आलू को कर लूँ। ये दो आलू ली हूँ मैंने पाव किलो के। आटा मेरा है कुछ 350 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं आलू अच्छे से बारीक कर लेती हूँ ताकि गूंदने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से बारीक कर ली हूँ। अब हम यहाँ पे आटा ले लेंगे। ये एक वाटी आटा मैंने ली हूँ गेहूँ का, और एक वाटी ली हूँ मैदे का। आप चाहे तो पूरा मैदा बना सकते हैं, हाँ, या पूरा गेहूँ का भी बना सकते, लेकिन ये ज़रा अच्छे से बनती है आधा आधा मिक्स करने पे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे ये अजवाइन। अजवाइन हम सबसे पहले डाल देंगे। इसके साथ डालेंगे हम यहाँ पे ये आलू। ये आलूओं को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे मसालों के साथ। अब इसमें मसाले भी पड़ते हैं। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। अगर आपको तेज़ खाना है, भाजी के साथ नहीं खाना है, सिर्फ दही के साथ खाना है, तो आप मिर्ची वगैरह थोड़ी ज़्यादा डाल लेना, ठीक है। इसमें हल्दी डाली हूँ मैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं भाजी के साथ खाने वाली हूँ ना, आज भाजी बना रही हूँ इसके साथ, इसके लिए थोड़ा सा मैं मिर्ची वगैरह थोड़ा सा हाथ रोक के डाली हूँ। अगर आपको भाजी नहीं बनाना है, दही वगैरह के साथ, रायते वगैरह के साथ खाना है, तो आप मिर्ची वगैरह ज़्यादा डाल देना। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी कोतमीर। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको गूंद लेंगे। पहले हम आटे को अच्छे से मिला लेते हैं आलू में, तो इससे हमको जजमेंट मिल जाएगा पानी कितना लगेगा। और इसमें पानी बहुत कम मात्रा में लगता है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के गूंदना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा खुद एक पानी छोड़ता है, आटे में खुद इतना पानी होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एकदम ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि हमको एक कड़क डो चाहिए पूरी के लिए, नरम नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम सख्त आटा गूंद ली हूँ। जो मुट्ठी भर पानी ली थी ना मैं 2-3 चम्मच, बस वही पानी में मेरा आटा गूंद गया है आलू के वजह से, ठीक है। मैंने उसके बाद पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करी हूँ, बस टाइट हो गया था आटा दबा दबा के गूंदने का, है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। ये आधा घंटा अभी मैं इसको ढक के रखूंगी ना, तो ये पूरी तरीके से नरम हो जाएगा और सेट हो जाएगा। इसके लिए इसको स्टार्ट में थोड़ा सख्त ही गूंदने का। अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए ढक के। अभी हमने आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिए है, जब तक हम सब्जी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाव किलो बैंगन ली हूँ, और एक आलू ली हूँ, और ये एक वाटी फ्रेश मटर ली हूँ, ठीक है। अब हम ये पानी में ना इसको काट के डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें पहले नींबू निचोड़ लेते हैं। ये नींबू मैं क्यों निचोड़ रही हूँ, ताकि जो हमारे बैंगन जो कटने के बाद कलर चेंज हो जाते काले काले, वो नहीं होना। इसके लिए इसमें पहले थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ लूँगी, और इसमें 1 चम्मच
नमक भी डाल दूंगी ताकि हमारे जो बैंगन है वो कटिंग के बाद हम जो थोड़ा देर रुकते हैं ना कांदा वांदा लाल करे तक तब तक ये काले ना पड़े, इसलिए यहाँ पे बैंगन को मैं छोटे छोटे काटूंगी सब्जी बनाने के लिए, बड़े और लंबे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बैंगन मैंने इस तरीके से काट ली हूँ। अब ये आलू भी मैं यही बैंगन के साइज के काट लूंगी। तो यहाँ पर मेरे आलू भी अच्छे से कट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कढ़ाई रख दी है हमने गैस पे, अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम ये तेल को। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा कड़ी पत्ता। अब डालूंगी मैं इसमें प्याज। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के प्याज बारीक काट के ली हूँ। ठीक है, आप लंबे भी काट सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब मैं इसको एकदम मरून कलर का, ब्राउन कलर का प्याज नहीं करने वाली हूँ, इसको ऐसा ही थोड़ा सा पकने दूंगी दो मिनट के लिए बस, यानी कि मेरी पिंकी पिंकी प्याज बस। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची, यहाँ मैं दो हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इसी के साथ डालूंगी मैं इधर अदरक लहसुन एक चम्मच भर के। तो अदरक लहसुन अच्छे से मैंने पका ली एक डेढ़ मिनट। अब क्या करेंगे, इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, इसको अच्छे से थोड़ा मिला लेती हूँ पहले। इसके बाद डालेंगे हम जीरे की बुक्की, हल्दी की बुक्की आधे चम्मच, और अपने तीखे के हिसाब से आप मिर्ची डालना, मैं आधे चम्मच डाल रही हूँ। एक चम्मच भर के मैं डालूंगी धनिया की बुक्की। ठीक है, अब ये सब चीज़ मैंने डाल दी हूँ, अब हम इसमें डायरेक्ट ही डालेंगे ये सब्जी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक बाटी जो मटर लिए है, ये मटर के साथ ही साथ हम ये डाल देंगे, ये हमने जो बैंगन आलू जो काट के रखे थे ना, ये बहुत चटपटी बनती है ये सब्जी, इस तरीके से बना के देखना। अब क्या करेंगे, हम साथ ही साथ इसके ऊपर डाल देंगे टमाटे जो हमने काट के रखे हैं। इसमें पानी मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, एक चम्मच भी पानी नहीं डालूंगी, बस इसको टमाटे के पानी में ही मुझे पकाना है पहले। तो यहाँ पे मैंने तीन अच्छे बड़े बड़े लाल लाल टमाटे देख के ली हूँ ताकि टमाटे पानी छोड़े, कच्चे टमाटे रहेंगे तो उसमें अच्छे से पानी नहीं छूटेगा और उसका खट्टापन नहीं आएगा। इसके लिए ये सब्जी के लिए जब भी पकाने लेंगे लाल टमाटे लेना। अब मैं इसको ढक के रखूँगी 10 मिनट के लिए। इसमें पहले हम नमक डाल देते हैं, नमक मैं एक चम्मच अपने हिसाब से डाल रही, आप अपने हिसाब से डालना। ठीक है, तो अभी 5 मिनट हो गए इसको ढक के पका के, और इसमें एक बूंद भी मैंने पानी ऐड नहीं करी हूँ। ठीक है, इसको बिना पानी के ही बनाऊंगी मैं, जो टमाटे का पानी इसमें निकल रहा है और बैंगन भी अपने आप पकते पकते सॉफ्ट होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरीके से ढक के रख दूंगी, धीमी आंच कर दूंगी, एकदम गैस मेरा स्लो कर दूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि धीमी आंच पे ये जलेगा नहीं, पक अच्छे से जाएगा। ठीक है, जब तक हम क्या करेंगे, आटा देख लेंगे। यहाँ पे मैं आटे को थोड़ा सा मसल लेती हूँ अच्छे से, और पेड़े बना लेते हैं, हमको जितनी पूरी अभी तैयार करना है उतने पेड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6-7 पेड़े पूरी के रेडी कर ली हूँ, और यहाँ पे मैंने आधा आटा रख दी हूँ, ये हम बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एक एक पेड़ा ले लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। इसको खुश्की के साथ बिल्कुल भी नहीं बेलना है, अगर थोड़ा सा चिपकता है तो तेल लेके
इस तरीके से पटले पे लगा लेना और बेल लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेड़े बनाते बनाते वहाँ पे कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दी हूँ गरम करने के लिए, ताकि हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए। ये पूरी वगैरह बनाने के लिए ना तेल ज़रा ज़्यादा गरम लगता है, ठंडे ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे आपकी पूरी बिल्कुल भी नहीं फूगेगी, ठीक है। गरम तेल में ही आपकी पूरी अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेल ली हूँ इतने साइज़ की, आपको छोटी बड़ी आपके हिसाब से बेल लेना, ठीक है। मैं इसको इसी तरीके से डाल दूँगी। तेल हमारा अच्छा खासा गरम है, हम इसको हल्के से दबाएंगे। और ये हो गई पूरी तैयार, यही पूरी खाने का था मेरे को। आलू पूरी बनाओ, आलू पूरी बनाओ, ले बना दी मैंने तेरी आलू मसाला पूरी, एक नंबर है ना, देख रहे आप लोग। अगर ये पूरी बना के अगर आपको खाना है, अगर आपको भाजी नहीं बनाना है, इग्नोर करना है भाजी को, तो इसको ही तीखा बना लेना, ठीक है। तो ये आप दही के साथ खा सकते हैं, दही में कुछ चटकारेदार मसाले वसाले डाल के, आमचूर पाउडर वगैरह डाल के रायता बना के खा सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके से अभी मेरी दूसरी पूरी भी बना लूंगी। तो ये मेरी लास्ट पूरी है, अभी जो बचा हुआ आटा है मैं नीचे आराम से गरम गरम बना के खाने के लिए रख दूंगी उठा के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 पूरियाँ बना ली हूँ, है ना। अब आते हैं हमारे लिए भाजी की तरफ। हाँ भाजी देखिए आप अभी तक बन रही है, पूरी मेरी तल गई है लेकिन भाजी अभी तक बनी रही है। ये क्यों इतना सिलो आँच पे बना रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू देखिए आप, ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, आलू मेरे अच्छे से गल गए हैं, भाजी मेरी अच्छे से रेडी हो गई है। इस टाइम पे आके आप लोग नमक वगैरह आराम से चेक कर लेना, ठीक है। बिना पानी के बनी है ये भाजी, मैंने एक बूंद पानी नहीं डाली हूँ, जिस तरीके से बस टमाटे डाली हूँ उसी तरीके से ये भाजी रेडी हुई है। अब मैं गैस कर दूंगी बंद और यहाँ पे मेरी पूरी भाजी हो गई है रेडी, एक नंबर। तो दोस्तों तैयार हो गई अपनी पूरी भाजी, नहीं आधी नहीं, पूरी एकदम, मतलब पूरी भाजी तैयार हो गई। पूरी भाजी का मतलब तुम समझ रहे क्या हो रहा, आधी भाजी बोल के बोल रहा है, नहीं पूरी भाजी तैयार हो गई। अरे यार पूरी देखो एकदम मसाले वाली, आलू की पूरी और भाजी भी बैंगन और मटर, आलू की भाजी, ये देखो। लेकिन सही में यार बोलते ना, भाजी को ना ऐसा देख के मुंह में से एक ही चीज आ रही है, वाओ। नहीं ये भाजी बहुत टेस्टी बनती है और एकदम सिंपल, यही खाने का था मेरे को, बहुत आसान तरीके से भाजी बनती है ये और बहुत टेस्टी बनती है। घर के मसाले में कोई पाव भाजी नहीं डाली, कोई गरम मसाला पाउडर नहीं डाली, कोई काली मिरी नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, घर के मसाले में आप इसी तरीके से बनाना, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप ये मसाले पूरी की जगह सादी पूरी भी बना के खाएंगे ये भाजी बहुत अच्छी लगेगी, दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो अच्छी ही लगेगी। लेकिन क्या ना, मैं बैगन पहले नहीं खाता था, लेकिन फिर क्या मैंने बैगन का भरता खाने लगा, जब मैं चटपटा बैगन का भरता जब से खाया ना, मस्त एकदम तीखा तीखा चटपटा मजा आ गया। क्या बैगन का भरता तुम बहुत अच्छा बनाते अम्मी, मैं इसलिए खाता, जैसा खट्टा भरवा बैगन बनाई, खट्टा सालन, अरे वाह अम्मी क्या बैगन का सालन, वैसी रेसिपी बोलते ना नीचे ना जन्मों जन्मों तक नहीं बनती, वो स्ट्रीट फूड जायका की बात अलग है। क्या होता, अरे तुमने ये भाजी बनाया मटर डाल के कितनी अच्छी बनी, ये भाजी बनाते अभी नीचे, लेकिन मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड जायका पे बनी है ना तो इसका टेस्ट अलग ही होगा। नहीं देखो मैंने सारे मसाले आप लोग देखे कौन से डाली, झटपट कांदा लाल करी, अदरक लहसुन डाली, तो चलो अभी सवाल नहीं होता निकालो, ये कुछ भी मैंने नहीं करी यार, पूरी देखो यार, हाँ पूरी मसालेदार अलग गजब की बनी है पूरी, क्योंकि मैंने ना सादी पूरी मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2-3 डाली हूँ, भटोरे और आलू की सब्जी पूरी वो सब डाल चुकी हूँ, तो इसके लिए मैंने बोली कि चलो जिसको मसाला पूरी नहीं आता है मैं उनके लिए आलू मसाला पूरी बना देती हूँ। भाई यकीन मानो मेरा, यहाँ पे जितनी भी पूरियाँ बनी है ना सारी सब ऐसी फूगी थी, ऐसी ऐसी फूगी थी सब सारी, लेकिन क्या है ना दूसरी या तीसरी बने तक की वो चपटी हो जाती है ना, हवा निकल जाती है, चप्पल लग जाता है, उंगली लग जाती है तो हवा निकल जाती है, लेकिन एकदम नरम रहती है। सही में यार अंदर देखो अंदर, इसके अब्बा को बहुत पसंद है ये भाजी बना के, ऐसा मैं सब पूरी ऐसी फूली है, उनको गरम गरम खाने पे बिठा के, अब्बा को तो क्या नहीं पसंद, सब पसंद अब्बा को, नहीं नहीं सब पसंद, मत बोल चलो आओ, चूजी है खाने में, नहीं सब पसंद नहीं आते उनको, बहुत कम खाना और बहुत टेस्टी खाना पसंद करते हैं, ये लो बिस्मिल्लाह।
आप देखो भाजी ये मेरा मुंह बंद कर बैगन और मटर और आलू का मिक्सचर आ हा 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 और मसालेदार पूरी ये देखो इसके साथ है ना नींबू और प्याज आहा लेके आओ नहीं नहीं मतलब रोज अपना ये वही नहीं रखता मैं मिक्सचर में यार एक नंबर फिर नीचे जाना पड़ेगा प्याज लाने नींबू लाने किसके लिए मैंने ऐसी रख दी मतलब ना मस्त चटपट लग रहा है मस्त एकदम पूरी भी चटकारेदार और सब्जी भी चटकारेदार मुझे पूरी ज्यादा अच्छी लगी यानी कि भाजी तो मेरे को पता था कि मस्त बनेगी टेस्ट अच्छा रहेगा लेकिन मैंने सोचा था पूरी में इस तरीके से बनाएगा तो पूरी मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्या ना घर के अंदर मैं नीचे बनाती हूँ तो बच्चे थोड़ी किचन में आते बच्चों को नहीं मालूम है कैसी बनी है बस प्लेट सजा के दे दो तो खा लेते अब यहाँ पे कैसा हो गया है मैं बना रही हूँ तो ये बाजू में खड़े रहता है ना तो ये देखते रहता है अरे अम्मी आलू भी डाल दे रहे अरे अम्मी ये भी डाल दे रहे अरे बाबा ये नीचे भी बनाई हूँ लेकिन जब ही नहीं पूछा किसी ने क्योंकि कोई किचन में नहीं जागता है कि मैं क्या डाल के पका रही हूँ जब तो सिर्फ खाने से मतलब रहता है सही बात है तो भाई आप लोग भी बनाओ ये ऐसी पूरी वूरी अपने घर में खिलाओ जरा बना के हाँ ये पूरी बनाएंगे ना आप तो मैं देखो इतना तेज नहीं करी मैंने आधा चम्मच ही मिर्ची की बुक्की डाली हूँ अगर आप लोगों को भाजी के साथ नहीं खाना है दही का रायता बनाना है जैसा हल्दी चाट मसाला थोड़ी सी मिर्ची पाउडर आमचूर पाउडर डाल के दही को रख के रायते के जैसा और ये पूरी के साथ खाना है अचार वगैरह के साथ तो आप क्या करो इसमें हरी मिर्ची काट के डाल दो थोड़ी मिर्ची की बुक्की की मात्रा बढ़ा दो तो थोड़ी और चटपटी हो जाएगी ये पूरी हाँ ये पूरी तो फिर वो रायते के साथ भी खा सकते हैं जो लोग के पास टाइम और शॉर्ट है तो और मैं बता दूं वैसे तो पूरी बहुत तरीके की रहती है हाँ, मैं बता दो मैं ये बता दूं कि ये कितने जल्दी बनी थी आलू एक घंटे में दोनों तैयार हो गया और जबकि आधा आटा भी बचा हुआ है पूरी के लिए अभी बाद में भी बना सकते हैं इतना आटे की इतना बनाने के लिए मुझे एक घंटा लगा ये सब्जी बनाने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है कांदा लाल करके सब डाल दो टमाटर ऊपर डाल दो पानी नहीं डाली हूँ एक बूंद भी बिना पानी के बनी हुई है भाजी ठीक है टमाटे के पानी में खुद ब खुद वो बटाटे गल गए हैं पूरे और मैंने कोई तेल में पहले फ्राई वराई भी नहीं करी थी कोई चीज भी सीधा सीधा वैसी सब कच्चा कच्चा रेडी हुआ है हाँ लेकिन टेस्ट बोलेंगे आप एक नंबर है मस्त बोले तो मस्त बहुत अच्छा अगर कोई मेहमान भी आते आपके घर में अगर एक घंटे में आपको उनको खाना बना के सर्व करना है तो आप ये पूरी भाजी भी बना के दे सकते हैं वेज में है ना तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो पूरी भाजी आ गई यार अभी तो लाइक कर दो वेज वालों और कौन सी पूरी भाजी आप लोगों को देखनी है वैसे तो बहुत अलग अलग भाजी आती है आलू की कतली ये वो बहुत सी भाजी आती है तो जो हम वीडियो में बना सके वो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि ना पूरी भाजी का एक ऐसा रहता है ना कॉम्बिनेशन फल्ली बहुत दिनों का नहीं खाया मैं बहुत सी भाजियों के साथ जाती है पूरी भटोरे जैसा छोले भटोरे हो गया ये फल्ली आती ना सेंगट की फल्ली हाँ लकड़ी की नहीं सेंगट की फल्ली वो दाल में डाल के खाने बहुत मजा आता है इंशाल्लाह मेरे को बहुत दिन से बोल रहा है हमें सेंगट की फल्ली की दाल तुम नहीं बना रहे बहुत दिन हो गया मैंने हाँ बेटा ठीक है बनाएंगे एक बार सांभर में डाल के बनाई थी मैंने ना सांभर बनाई थी ना सांभर उसमें भी पड़ता है ना तो ठीक है भाई वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो और कुछ बस और जिसको भी कौन से और किस्म की भाजी या पूरी देखना है कमेंट्स करके बताओ ठीक है अल्लाह हाफिज़ चलते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय बाय